सुपर पावर देश अमेरिका पर हुआ है तूफान का अटैक। अमेरिका के टेक्सास में हार्वे तूफान ने कहर बरपाया है। तूफान की वजह से लाखों लोग मुश्किल में हैं, हजारों लोग बेघर हो गए हैं। अमेरिका में पिछले एक दशक में पहली बार इतना बड़ा तूफान आया है। पानी में डूबी कारें, हाईवे पर चल रही मोटरबोट, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन, ये तस्वीरें दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की हैं। यहां तूफान ने ऐसी तबाही मचाई कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अमेरिकी मौसम विभाग ने इस भयंकर तूफान को हार्वे नाम दिया है। पिछले 12 साल में पहली बार अमेरिका में ऐसा तूफान आया है। अमेरिका के टेक्सास में ह्यूस्टन तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। अब इन तस्वीरों को देखिए, लग रहा है जैसे ये कोई नदी हो, लेकिन ये टेक्सास का एक बड़ा हाईवे है। यहाँ आपको रेड लाइट दिखेंगी, कुछ कारें भी पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन आप दरिया में तब्दील हुए इस हाईवे पर नावें मोटरबोट चल रही हैं। ये पूरा इलाका तूफान में आए तेज बारिश के पानी की वजह से डूब गया है। अब इन तस्वीरों को देखिए, कैसे हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ प्रभावित इलाकों से रेस्क्यू कर उन्हें अमेरिकी कोस्ट गार्ड की टीम सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। अब तक सैकड़ों लोगों को इसी तरह निकाला जा चुका है। अमेरिका में इस बाढ़ का असर यहां रहने वाले भारतीयों पर भी पड़ा है। ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी कैंपस में रहने वाले 200 भारतीय छात्र पानी में फंस गए, जिन्हें निकाला जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय की मामले पर नजर बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ह्यूस्टन में इस बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।